तो पहले हमारे पास बार कोड्स होते थे, अब फिर तरक्की के ज़माने में स्लो स्लो हमारे पास सीक्रेट कोड्स आने लगे और कोड्स आने लगे, 143 जैसे कोड्स भी आए, और उसके साथ साथ 2014 के स्टार्ट में QR कोड्स आ गए हमारे पास, जो काफ़ी वायरल हो चुका है और बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है। जैस कैश, इजी पैसा, वो बैलेंस नहीं मंगवाते, कोड्स के ज़रिए डायरेक्ट बैलेंस अपलोड हो जाता है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसके ज़रिए आप प्रोडक्ट की रेटिंग ले सकते हैं, एक्सपायरी डेट मालूम कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप इस QR कोड में डाल के स्कैन करके दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, जो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ये क्रिप्टेड डाटा होता है और जो उसका इंग्लिश वर्जन या राइटिंग वर्जन होता है वो कहलाता है इनक्रिप्टेड डाटा। डिक्रिप्टेड और इनक्रिप्टेड दो तरह के फॉर्म होते हैं डाटा के कोर्स की दुनिया में। तो चलें कोर्स पे काम करते हैं, QR कोड्स किस तरह बनाना है इस पर काम करते हैं आज की वीडियो में। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक QR कोड के लिए वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, YouTube पे आ गए जैसे, अभी देखें YouTube पर राइट क्लिक करी और साइड में QR कोड का, जनरेट QR कोड का ऑप्शन आ गया। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट पे जाके क्रिएट QR कोड और जनरेट QR कोड फॉर दिस पेज खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, अपना QR कोड बना सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपनी पसंद का जो सभी कोड चाहो बना लो, और यही गूगल क्रोम पे भी है। आप लिंक हटा के उसको डिलीट करके अपनी मर्जी की जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका QR कोड बन जाएगा, और चाहे तो आप लिंक डाल दो या उसके अंदर टेक्स्ट लिख दो। तो सबसे बेसिक तरीका तो है यही है QR कोड बनाने का। और इसके अलावा आप किसी भी पिक्चर का QR कोड बना सकते हो, किसी भी इमेज का QR कोड बना सकते हो, कुछ नज़र का QR कोड बना सकते हो एग्जाम में चीटिंग के लिए। QR कोड बना के लिए जो तो टीचर थोड़ी ना स्कैन करने लगेगा जब तक आपका काम भी हो जाएगा। तो खैर इस तरह के बहुत सारे कोड्स हैं ऐसे काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।